गाइस वेलकम बैक टू क्रेजी टीवी 24। वेल दोस्तों, सभी फैंस यही चाहते हैं, शहनाज के फैंस चाहते हैं, सिद्धार्थ के फैंस चाहते हैं कि हमेशा सिद्धार्थ पर बातें हों, पॉजिटिव बातें हों और उनको हमेशा ऐसे ही याद रखा जाए और उनसे जुड़ी चीज़ें डिस्कस करी जाए। और ऐसे में आजकल आप सबको पता ही है कि पारस छाबड़ा जो है काफ़ी ज़्यादा इन चीज़ों को लेकर जो है वो एक्टिव नज़र आ रहे हैं, स्पेशली बिग बॉस 13 से जुड़ी बातें करते हुए नज़र आ रहे हैं। पॉडकास्ट उन्होंने खोल लिया जिसमें वो बहुत सारे बिग बॉस 13 के जो उनके कंटेस्टेंट थे उनको बुलाते हैं और उनसे बहुत सारी बातें करते हैं। सिद्धार्थ पे बातें होती हैं और सरनाज शहनाज कभी कभी हो जाती हैं बातें, और ऐसे में जब छोटी छोटी बातें पकड़ने को देखने को मिलती है तो फैंस काफ़ी खुश होते हैं, तब तक जब तक पॉजिटिव बातें हों। जी हाँ, और अब इस बार सिद्धार्थ पे क्या बातें हुई हैं आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले वीडियो लाइक और चैनल सब्सक्राइब करना दोस्तों बिल्कुल ना भूलें ताकि आने वाले अपडेट्स कोई मिस ना हो। तो पारस छाबड़ा के इस बार शो में जब मधुरिमा तुली आती हैं और मधुरिमा से एक रैपिड फायर राउंड होता है जिसमें किल मैरी हुकअप का ऑप्शन था, जिसमें पहले उन्होंने विशाल का ऑप्शन डाला, देन उसके बाद मधुरिमा ने कहा कि इस ऑप्शन को हटा दो, तो उसके बाद पारस ने सिद्धार्थ आसिम और अपना नाम डाला किल मैरी हुकअप में, जहां पे मधुरिमा बिना कुछ सोचे समझे सबसे पहले मैरी के नाम पे सिद्धार्थ शुक्ला का नाम लेती हैं, किल के नाम पे आसिम का और हुकअप पारस छाबड़ा का। तो वही इस तरीके से मधुरिमा तुली जो हैं वो सिद्धार्थ को कहीं ना कहीं पसंद करती है, आज भी उन्हें लोग याद करते हैं। इनफैक्ट बिग बॉस 13 का हर घंटे सिद्धार्थ को आज भी याद करता ही है।